हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं क्लब एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रियलमी 8 जो है वो अभी कुछ ही टाइम पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन हमको कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि उसका जो बहुत ज़्यादा हाइक था वो था कि ये 5G फ़ोन होने वाला है, लेकिन हमको सिर्फ 4G की सपोर्ट ही देखने को मिली, तो इसलिए हमको कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। लेकिन दोस्तों, कंपनी अभी कुछ ही दिनों में लॉन्च करने वाली है रियलमी 8 का 5G वेरियंट, जो कि रियलमी ने ऑफिशियली टीज भी कर दिया है। और इसमें आपको मिलेगा मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 का चिपसेट, जो कि 5G चिपसेट है। तो चलिए दोस्तों, इस फोन के बारे में हम पूरी डिटेल में जान लेते हैं और देखते हैं इसके एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस क्या होने वाले हैं और ये किस प्राइस में हमारे यहाँ इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर इसके डिस्प्ले के बारे में मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको मिलेगी 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसकी पिक्सल डेंसिटी है 411 PPI, और इसके साथ में आपको प्रोटेक्शन के लिए भी मिल जाएगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 क्यूब प्रोटेक्शन। अब मेन दोस्तों, अगर इसके कैमरास के बारे में मैं आपको बता दूं, आपको इसमें पीछे की तरफ मिल जाएगा क्वाड रियर कैमरे का सेटअप, और जो मेन इसका प्राइमरी कैमरा है वो आपको इसमें मिलेगा 64 मेगापिक्सल का कैमरा, और उसके साथ जो दूसरा कैमरा दिया गया है वो आपको इसमें मिल जाएगा अल्ट्रा वाइड शॉट्स के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा, और तीसरा कैमरा आपको इसमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल जाएगा, चौथा कैमरा भी आपको इसमें 2 मेगापिक्सल का मोनो लेंस मिलने वाला है। और अगर इसके फ्रंट सेल्फी कैमरे के बारे में मैं आपको बता दूं, वो आपको इसमें मिलेगा 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा। अब मेन दोस्तों, अगर इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए, आपको इसमें मिलेगा एक 5G चिपसेट, और वो होने वाला है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 का चिपसेट। उसके साथ में आपको ग्राफिक्स के लिए भी मिल जाएगा माली G57 MC2, लेकिन आपको इसमें रैम ठीक ठाक मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको मिलेगी 4GB की रैम, और इसके साथ एक और ऑप्शन भी मिल जाएगी, आपको एक और वेरियंट मिल जाएगा जिसमें आपको मिलेगी 8GB की रैम, साथ में आपको मिलेगी 128GB की इंटरनल स्टोरेज, और जो 4GB वाला वेरियंट है उसमें आपको मिलेगी 64GB की इंटरनल स्टोरेज, और आप इसकी मेमोरी को और एक्सपेंड कर सकते हो 256GB तक। अब दोस्तों, अगर इसकी बैटरी की बात कर लीजिए, आपको इसमें बैटरी भी बड़ी बैटरी मिल जाएगी, क्योंकि इसमें आपको मिलेगी एक बड़ी 5000 mAh की बैटरी, साथ में आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी मिल जाएगी, एक 30W का फास्ट चार्जर आपको इसके बॉक्स के साथ ही मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको ये फ़ोन ड्यूल सिम में तो मिल जाएगा, दोनों नैनो सिम डाल सकोगे, और इसके अलावा एक अलग से मेमोरी कार्ड भी डाल सकोगे, यानी कि आपको इसमें ट्रिपल स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा, और आपको इसमें USB टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, और आपको इसमें 3.5mm का जैक भी मिल जाएगा, और जो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो ठीक आपको इसमें ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलने वाला है, जिससे कि आपका फोन और भी ज्यादा प्रीमियम लगता है। अब लास्ट में दोस्तों, अगर इसकी प्राइसिंग की बात की जाए, इसका प्राइस होने वाला है 18,999 रुपये, यानी कि 19,000 का ये फोन होगा, जो कि है रियलमी 8 5G। और ये जो इंडिया में लॉन्च डेट निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि ये 21 अप्रैल को हमारे यहाँ इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस प्राइस के हिसाब से ये फोन कैसा लगा, प्लीज अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।